आगे इस पूरे मामले की जांच हो रही है, इससे जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन की तपिश के बीच बीजेपी जेवर एयरपोर्ट के जरिए पश्चिमी यूपी में उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। करीब दो दशकों से घोषणाओं और फाइलों में घूमता जेवर एयरपोर्ट अब धरातल पर उतरने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। इतने बेवकूफ नहीं होगा, होगा किसान, यू सब जाने लेके जाएंगे, जो परचार्ज मिल जाएगा भाई। 20 ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से, 500 लोग जाएंगे। बॉर्डर से खुले हैं, बात हुई है दिल्ली पुलिस से परमिशन? नहीं नहीं, परमिशन की कहाँ जरूरत है, जब रास्ते खुल रहे हैं, क्या दिल्ली में कोई जा रहा परमिशन लेता है? जब कृषि बिल पर राकेश टिकैत अपने तेवर नरम करने को तैयार नहीं है, तब पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी के अरमान कैसे उड़ान भरेंगे? आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। जब यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश छोटे दलों का साथ ले रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर पिछड़े दलित बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आएं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है, एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले, इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। अच्छा, वैसे हम साथ आएंगे कि नहीं, बहुत देर हो गई? हम नहीं, हम देखिए, हमारा प्रयास है जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं, उस 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़े, 100 सीट कौन देगा इस धरती पर? तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, हम ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना। तब कृषि कानून की वापसी के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत का रनवे कैसे बनेगा? जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। जेवर एयरपोर्ट से पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। जेवर में दुनिया का 4th सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हकीकत में बदलने वाला है, जो 1,00,000 लोगों को रोजगार देगा। निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1,00,000 से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड को विकास के उपहार देने के बाद पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जहां किसानों की नाराजगी को देखते हुए वो 3 कृषि कानून वापस ले चुके हैं और पहली बार यूपी के इस इलाके में पार्टी की वापसी का रास्ता टटोलने की कोशिश करेंगे। पीएम विपक्ष के प्रहार को विकास के हथियार से जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके केंद्र में नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के
अपनी सेवा का आपने मौका दिया और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के जेवर के रूप में पेश करना चाहती है। इसके शिलान्यास के लिए पीएम मोदी गुरुवार सुबह 11:20 पर हेलीकॉप्टर से जेवर में बने विशेष हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे के करीब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद पीएम मोदी रैली के जरिए बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू करेंगे। बीजेपी इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी रैली बता रही है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये विशाल एयरपोर्ट आसपास के इलाकों को बहुत मदद करेगा। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा को अपैरल सिटी, कपड़ों की सिटी कहा जाता है और यहाँ जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब का कहना है कि एक बार जेवर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो यहाँ बिजनेस को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आसपास के इलाकों की अगर बात करें, हापुड़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों से जेवर एयरपोर्ट जब यहाँ से चालू हो जाएगा तो इन सब क्षेत्रों को एक काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। कार्गो की भी अगर बात करी जाए तो यूपी सरकार का कहना है कि कार्गो और जितनी भी चीज़ें एयरपोर्ट के साथ होंगी उसमें यहाँ पे लगभग 1 लाख नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी पहले फेज के अंदर और 1 करोड़ यात्री इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने में जुटी है। जेवर में भी किसानों का दबदबा है और यहाँ के किसानों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध किया था। इसके अलावा यहाँ बीजेपी की चुनौती नाराज गुर्जर वोटरों को मनाने की भी है, जो दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद से ही बीजेपी से खफा चल रहे हैं। ये विवाद दादरी कॉलेज में 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से शुरू हुआ था। गुर्जर समाज की आपत्ति प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने को लेकर है। गुर्जर समाज का आरोप है कि मिहिर भोज गुर्जर राजा थे, लेकिन बीजेपी उन्हें राजपूत राजा के तौर पर पेश कर रही है। नोएडा में गुर्जरों की आबादी 5 लाख के आसपास बताई जाती है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता नरेंद्र भाटी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उसे गुर्जरों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। इस तरह बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पैठ बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिसमें जेवर में बन रहा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे अहम है। जेवर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।